हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्लास ऑन सेंट्रल ऑर्बिट. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंसेस. सो व्हाट इज़ एन एप्स? एन एप्स इज़ अ पॉइंट ऑन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स टू दिस पॉइंट हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. ये स्टूडेंट जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है, सपोज कर लो एक हमारा सेंट्रल ऑर्बिट ये गिवन है, ओ हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है. अगर हम ओ से किसी पॉइंट पी आर थीटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें और उस रेडियस वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी तो वो हमारा एक एप्स कहलाएगा. ठीक है जी. अब इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज कर लो पी जो पॉइंट ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है और ओ से टी का जो डिस्टेंस है वो हमारा मिनिमम है, तो हमारा जो ओ टी भी एक एप्स बनेगी और ओ पी भी एक एप्स बनेगी. सिमिलरली हमारे पास टू एप्स भी हो सकती हैं एक सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर. ठीक है, तो जो हमारा ये डिस्टेंस ओ से लेके पी का है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, ये हमारा एप्साइडल डिस्टेंस कहलाता है. और जो हमारा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा क्या है, हमारा दो एप्सिस के बीच में जो दो कॉन्जिक्यूटिव एप्सिस होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हमारा एस्पाइडल एंगल बोलते हैं. सो व्हाट इज़ एस्पाइडल डिस्टेंसेस? द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोकस इज कॉल्ड एप्साइडल डिस्टेंसेस. हेयर इन दिस केस आर वेक्टर इज द एस्पाइडल डिस्टेंस. एंड व्हाट इज एप्साइडल एंगल? द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंसेस. जो दो कॉन्जिक्यूटिव्स ओ पी और ओ टी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एप्साइडल एंगल बोलेंगे. ठीक है जी, तो ये था हमारा डेफिनेशन पार्ट फॉर एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंसेस. नेक्स्ट इज अ थ्योरम. थ्योरम स्टेट्स दैट एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वैक्टर, दैट इज एट एन एप्स द रेडियस वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. अब इसके हमें इस थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है, ये हमने एप्स ली, ये सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया, ये पी है, ये हमारा आर वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर है और इसके हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टेंजेंट के कि ये जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री का ड्रॉ. तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एप्स की डेफिनेशन से जो एस्पाइडल डिस्टेंस होता है, एप्साइडल डिस्टेंस जो होता है आर, वो या तो हमारा मैक्सिमम होगा या वो हमारा मिनिमम होगा. ठीक है, सो यू इज़ इक्वल्स टू 1/r, वो इज़ ऑल्सो मैक्सिमम और मिनिमम एट एन एप्स. सो अब हम अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी विल गेट du/dθ इज इक्वल्स टू 0. और किसी भी कर्व के लिए, फॉर एनी कर्व, वी हैव 1/p² इज इक्वल्स टू u² + du/dθ का होल स्क्वायर, वेयर p इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व. ठीक है जी, जो हमारा यहाँ पे p है, ये जो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई किस पे, टेंजेंट वेक्टर पे एट एनी पॉइंट ऑफ द कर. ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा स्मॉल p गिवन है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या पता है कि du/dθ की वैल्यू 0 है, सो du/dθ का होल स्क्वायर भी 0 आएगा. सो हमने यहाँ du/dθ का होल स्क्वायर 0 के इक्वल पुट कर दिया एंड व्हाट वी विल गेट 1/p² इज इक्वल्स टू u² सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u एज 1/r. सो वी विल गेट 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r². नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाइंग अपोजिट साइड्स, दैट इज वी विल गेट r² इज इक्वल्स टू p² बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स वी विल गेट r इज इक्वल्स टू p. सो वी हैव p इज इक्वल्स टू r. व्हाट इज p? p फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव p इज इक्वल्स टू r sin φ विच इज इक्वल्स टू r. यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, दैट इज इन OPB ट्रायंगल एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p.
So cancelling R from both the sides, simply sine phi is equals to 1 and phi is of 90 degree. Thus at an apse, the particle moves at right angles to the radius vector on the, or the radius vector is perpendicular to the tangent vector. Okay, so this was very first article after the definition of apse. Now we will be moving to our next article. That is, we have to prove analytically that when the central acceleration varies as some integral power of the distance, there are at most two apsidal distances. दो एप्साइडल डिस्टेंस के बीच बारे में बता रहा है ये. वो एक कॉमन सी बात है कि एक तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और एक वो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा. सो इस केस में हम क्या ले लेते हैं, एफ हमने सेंट्रल एक्सेलरेशन ली और हमें गिवन क्या है कि जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस वेरी करेगी और डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं. तो सम इंटीग्रल पावर उस इंटीजर को एन ले लिया और वेरी करेगी, मतलब एफ कुछ प्रोपोर्शनल दिखा रहा है आर की पावर एन के. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हुए हमने यहाँ लैम्डा को कांस्टेंट ले लिया. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई, एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा आर एन. नाउ वी विल पुट आर इज इक्वल्स टू 1 बाय यू. सो एफ इज इक्वल्स टू आर, एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय यू एन. नाउ डिफरेंशिएटिंग, now differential equation of the path in polar form is h square into me u plus du by d2u by d theta square is equals to f by u square. Substituting the value of f over here, then we will get h square into me u plus d2u by d theta square is equals to lambda times lambda upon me u ki power n into u square. Taking u in numerator, we will get lambda into me u raised to power negative of n plus 2. Right. Now we will multiply this term, that is equation number a, with 2 du by d theta. We will left with 2 du by d theta into math square into me u plus d2u by d theta square is equals to 2 du by d theta lambda into me u raised to the power negative of n plus 2. Now taking h square common and is jo ye hamari term hai 2 du by d theta, isko hum bracket mein le lenge aur dono terms ke sath multiply kar lenge. Theek hai, next humne kya kiya, फिर हम ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया. फिर हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी विल लेफ्ट विद एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाय डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा यू रेज टू द पावर नेगेटिव ऑफ एन प्लस वन अपॉन में माइनस ऑफ एन प्लस वन प्लस सी वन. अब हमें हमारे पास क्या आ गया, एप्स पे हमें पता है कि डी यू बाय डी थीटा वो हमारा जीरो होता है, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में फाइंड आउट किया है. अब हमने du by d theta को जीरो पुट कर दिया. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा, h square into u square. ठीक है, अब u square को यहाँ से हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. सो वी विल गेट h square इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ लैमडा अपॉन में n प्लस वन इंटू में u रेज टू द पावर नेगेटिव ऑफ n प्लस थ्री अपो प्लस c1 अपॉन में u square. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू 1 बाय r. So we have h square is equals to negative of 2 lambda r to the power n plus 3 upon me n plus 1 plus c1 r square. N plus 1 by 2 lambda into me h square. इसमें equation में हमने क्या किया, जो यहाँ denominator में था, उसको हमने numerator में ले गए दोनों ही terms में, एक left hand side में और एक right hand side में, simply n plus 1 upon me 2 lambda. जो ये 2 lambda था इसको डिनोमिनेटर में ले गए. ठीक है, एन प्लस वन इंटू टू लैमडा इंटू में एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आर एज टू द पावर एन प्लस थ्री प्लस सी वन एन प्लस वन अपॉन टू लैमडा इंटू में आर स्क्वायर. अब इससे हुआ क्या, हमारे पास क्या हुआ, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, आर एज टू द पावर एन प्लस थ्री माइनस सी वन इंटू में एन प्लस वन अपॉन टू लैमडा आर स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अपॉन में टू लैमडा इंटू में एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. अब ये कुछ इक्वेशन ज़्यादा टिपिकल सी बन गया,
इस इक्वेशन में हमारे पास दो साइन चेंज हैं, एक तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव का साइन चेंज और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव का साइन चेंज, दो साइन चेंज है कॉफिशेंट में सारे ही कॉन्स्टेंट की वैल्यू सी वन के लिए, ठीक है, सी वन के लिए और एन के लिए भी है, ठीक है। तो हमें डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन क्या बोलता है, अगर दो साइन चेंज हो तो हमारे पास एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती हैं आर की, ठीक है। अब आर की दो पॉजिटिव वैल्यू अभी, और हमें क्या प्रूव करना था कि एप्साइडल डिस्टेंसेस हमारे पास एट मोस्ट दो हो सकते हैं, और एप्साइडल डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, आर होता है, तो हमारे पास दो एप्साइडल डिस्टेंस आ गए, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हमने क्या प्रूव किया कि अगर सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरी करेगी एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस देन वी हैव एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास दो एप्साइडल डिस्टेंसेस हो सकते हैं। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का क्या मतलब है, कोई पार्टिकल अगर दूर से आ रहा है एक सेंट्रल फोर्स के उसमें, तो वो वेलोसिटी क्या एक्वायर करेगा। पास वाले पार्टिकल्स की तो हमने निकाल ली कि हमारे पास एक कर्व है और उसका कुछ एप्साइडल डिस्टेंस है और उस तरीके से उनकी वेलोसिटी निकालनी। अब इसमें हमें एप्साइडल डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो हमें क्या गिवन है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ सेंट्रल फोर्स द वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो हमने क्या एक पार्टिकल ले लिया जो मूव कर रहा है सेंट्रल फोर्स एफ के अंदर, एफ क्या है, हमारी पर यूनिट मास है, वो वेलोसिटी वी को एक्वायर करेगा एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी, जब वो इन्फिनिटी से स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब इन्फिनिटी पे वो रेस्ट नहीं है, तो हमने कुछ अज्यूम किया है कि उसका जो सेंट्रल फोर्स से डिस्टेंस होगा पार्टिकल का वो हमारा ए रख दिया गया, ठीक है। अब पीडल इक्वेशन दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की पीडल फॉर्म में क्या आएगी, एच स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब इंटू डी पी बाय डी आर इज इक्वल्स टू एफ। इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड को डी पी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया और राइट हैंड साइड को डी आर के विद रिस्पेक्ट। सो वट वी विल गेट नेगेटिव ऑफ 1/2 इंटू मैच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर प्लस सी। अब यहाँ पे जो h by p क्वांटिटी है उसको हम कैपिटल V बोलते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ, अब हमने h by p की वैल्यू रख दी, तो हाफ ऑफ v square इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f इंटू डी आर प्लस सी। सो ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, एनर्जी इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की, एनर्जी इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की। सिंस जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी पे और वेलोसिटी वी एक्वायर करता है एट आर इज इक्वल्स टू ए पे, देन द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी इज गिवन बाय हाफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू ए एफ डी आर। सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर, नाउ वी विल गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। Suppose in first question we have to find out law of force towards the pole under which the curve, हमें एक curve given है आर एन इज इक्वल्स टू ए एन कोज एन थीटा, ठीक है। तो हमें लॉ ऑफ फोर्स को ऑप्टेन करना है, उसकी एक्सप्रेशन को डिराइव करना है जिस पे एक कार्डियोइड वो हम डिस्क्राइब कर सकें। सिंपली सबसे पहले हमें क्या ये गिवन है, कर्व की इक्वेशन क्या है, आर एन इज इक्वल्स टू ए एन कोज एन थीटा, ठीक है जी। यू को हमने 1/r पुट किया, यू को 1/r पुट किया तो 1 इज इक्वल्स टू ए एन यू एन कोज एन थीटा आ गया। लोग ले लिया दोनों ही साइड में, एन लोगे प्लस एन लोग यू प्लस लोग ऑफ कोज एन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, जीरो प्लस एन बाई यू इंटू में डी यू बाई डी थीटा माइनस ऑफ एन साइन एन थीटा अपॉन में कोज एन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से सिंपली हमने इस इक्वेशन से न्यूमिनेटर में एन से एन कैंसल आउट कर दिया और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
अब डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन यू सीकेंट स्क्वायर एन थीटा प्लस डी यू बाई डी थीटा इंटू में टेंजेंट ऑफ एन थीटा। अब हमें क्या पता है कि डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू क्या था, एन यू टेंजेंट एन थीटा, तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में यू की एडिशन कर दी दोनों तरफ, क्योंकि मुझे तो लास्ट रिजल्ट क्या है मेरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेंट्रल ऑर्बिट की है पोलर फॉर्म में, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और एफ वहाँ से हमें पता करना है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। सिंपली उसके लिए हमने ये यू को ऐड किया ताकि ये जो फर्स्ट टर्म को इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड को इसके ये मैच कर दे। ठीक है जी, तो अब क्या किया, अब ये कर लिया, यहाँ से हमने फिर u कॉमन निकाला, सीकेंट स्क्वायर n थीटा कॉमन निकाला इंटू में n प्लस वन। अब जो u है और a है, ये जो हमारी इक्वेशन थी पहली सीकेंट n थीटा इज इक्वल्स टू ए एन यू की पावर n, इसे हमने क्या किया, इसे हमने सीकेंट स्क्वायर n थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी जो क्या है a की 2n इंटू यू की 2n। ठीक है, ये वैल्यू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की जो पोलर फॉर्म है उसमें पुट कर दी। उसमें पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, अब ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करी क्योंकि ये मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये आ गया। अब इसमें सिंपली हमने सेटिंग करनी है, सेटिंग इन द सेंस कि एफ की वैल्यू जो एडजस्ट करके क्या आ गई, एच स्क्वायर इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू के पावर टू एन इंटू यू के पावर टू एन प्लस थ्री। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को कुछ ऐसे एडजस्ट किया कि ये टर्म सिर्फ यू के साथ लेफ्ट हो जाए। मतलब हमने यहाँ पे कुछ लैम्बडा ले लिया जिसकी वैल्यू थी एच स्क्वायर इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू रेज टू एट की पावर टू एन। ठीक है, अब हमने u की वैल्यू 1 बाय r पुट कर दी और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के वहाँ पे बता दिया कि हमारा जो रेट एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हैंस जो फोर्स वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है 2n प्लस थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये हमने लॉ ऑफ फोर्स ड्राइव कर लिया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन कार्डियोइड की दिखानी है। अब ये कार्डियोइड की इक्वेशन, इसका एक पर्टिकुलर केस है। इसका पर्टिकुलर केस क्या है, एन को मैं वन बाय टू पुट कर दूँ, हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये एन को मैंने इस जगह पे, इन दोनों जगह पे एन को हाफ पुट कर दिया, मेरे पास क्या आ गई, आर की हाफ इजक्वल टू ए की हाफ कोज टू थीटा, दोनों का दोनों इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, आर इज इक्वल्स टू वन बाय टू ए इंटू में वन प्लस कोस थीटा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारी कार्डियोइड की। ठीक है, सो दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमें क्या गिवन है, पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, डिस्क्राइब अ सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ फोर्स, प्रूव दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। अब हमें क्या गिवन है, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सेंट्रल फोर्स का, जो एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। अब इस इक्वेशन से हमें जो आर की वैल्यू है वो पता चल जाएगी, कैसे पता चलेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में। बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू टू ए कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू क्या होती है, वन बाय यू होती है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई वन बाय टू ए कोस थीटा। अब वन बाय कोस थीटा क्या होता है, सिकेंड थीटा, तो u की वैल्यू क्या आएगी, सिकेंड थीटा अपॉन में टू ए u आ गया। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, प्लस u, क्योंकि हमें तो लास्ट क्या करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रोइड इन पोलर फॉर्म में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है। ठीक है,
सो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू क्या आ गई, 8a² u³। ये जो बीच की कैलकुलेशन है इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ हुई है, बाकी इसमें कुछ ऐसा एज सच है नहीं। समझाने लायक बहुत ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट होगी, हमने ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ली, एफ अपॉन में h² u² = 8a² u³। ये फाइंड आउट होगी। अब हमें क्या पता था कि फिफ्थ पावर वेरी करनी है, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, यहाँ से f जो है हम h² u² को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो f हमारे पास क्या बन गया, 8a² u³ / 5 इंटू में h². अब u की पावर 5 आ गई, u क्या था 1/r, वैल्यू पुट कर दी 1/r/5, और ऊपर क्या बच गया, 8a² h², इसको हमने कांस्टेंट लैम्डा ट्रीट कर लिया, तो f हमारा क्या आ गया, λ/r/5, दैट इज़ f = 1/r/5, जो हमें आर्टिकल में प्रूव करना था। सो हेयर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेडल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद पोल एट द सेंटर इज a² b² / p² = a² + b² - r². सो वी हैव टू फाइंड आउट द लो ऑफ फोर्स। अब हमें पीडल इक्वेशन दी गिवन है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेंट्रल ऑर्बिट पीडल फॉर्म में होगा उसको लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे क्या, इसमें हमें f/h² गिवन है, और इस जो इस इक्वेशन से है इसका इस फॉर्म में बना के दोनों को इक्वेट करना। सिंपली देखते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। सिंपल गिवन है कि dp/dr सही है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या मिला, -2a² b² / p³ · dp/dr। विदाउट डिफरेंशिएट किया था, a² + b² कॉन्स्टेंट हो गया, तो -2r आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, 1/p³ · dp/dr की वैल्यू फाइंड आउट होगी, विच इज़ इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ a² b²। अब ये वैल्यू थी हमने यहाँ उठा के रख दी, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आ गई, h² r/a² b², तो क्या हो गया, r इंटू में h² a² + b² h² / a² × b² वो हमने कॉन्स्टेंट लैम्डा ट्रीट कर दिया, और फोर्स हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए डिस्टेंस के फ्रॉम द सेंटर। सो ये कुछ ईजी एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन हैं, सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ। Now we will have look of some questions on apse and apsidal distance. Suppose we have given a particle which is projected from an apse at a distance a from the origin with a velocity which is root 2 times the velocity for a circle of radius a and moves with center acceleration mu into r⁻⁻³, so that the path is this. हमें ये शो करना है r cos θ (√2) = a, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, डिस्टेंस सेंट्रल फोर्स है वो हमें μr⁻³ गिवन है, r = 1/u, सो f = μ(u³³), u = 1/r, ठीक है। सो वी वेलोसिटी है हमारी सर्कल में जिसकी रेडियस ए है अंडर द सेम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमारा v² / a क्या हो गया, f, v² / a हमारा f है, f की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, तो हमने f की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, विच इज़ इक्वल्स टू μ/a³। सो वट वी विल गेट v = √μ/a। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारी क्या है, velocity of projection है हमारी √2 times velocity of for a circle of radius a, √2 times into में capital V, so √2μ/a, ठीक है। differential equation of central orbit in polar form is given this, substituting the value of f over here, so we will get h² d2u/d θ² + u = μu। मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड को 2du/dθ से, 2du/dθ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको हमने इंटीग्रेट करना है, सो वी विल गेट h²
इंटू में डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू यू स्क्वायर प्लस सी वन. सी वन हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आया, ये वी स्क्वायर की वैल्यू थी, सारी वेलोसिटी फाइंड आउट की थी. इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का नाम हमने स्मॉल वी रख दिया. तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू थी जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी. अब इनिशियल कंडीशन तो होती है, इनिशियल टाइम पे क्या था, जो हमारा आर था वो हमारा ए था और यू क्या था, वन बाय एर, और आर तो ए था तो यू क्या हो गया, वन बाय ए. ठीक है, डी यू बाई डी थीटा हमारा ज़ीरो हो गया और वेलोसिटी कितनी रह गई, रूट टू म्यू बाय ए. अब हमने वी की ये वैल्यू तो यहाँ पे उठा के पुट करी, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे उठा के रखी, यू की वैल्यू वन बाय ए स्क्वायर यहाँ पे रखी और यहाँ पे रखी. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू म्यू एंड सी वन इज इक्वल्स टू म्यू बाय ए स्क्वायर. सिंपली ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करी, हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी इक्वेशन नंबर वन में, क्योंकि एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी टू म्यू आ गई थी, ये अंदर का एज इट इज़ म्यू यू स्क्वायर एज इट इज़, और सी वन की वैल्यू म्यू बाय ए स्क्वायर आ गई थी. ठीक है जी, ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने इस टर्म को, पहले तो हमने म्यू वाली टर्म को दोनों साइड कैंसिल कर दिया और फिर हमने क्या किया, म्यू वाली टर्म को कैंसिल करने के बाद जो हमारा यू स्क्वायर बचा था लेफ्ट हैंड साइड से, वो हम राइट हैंड साइड में लेके गए एंड वी विल लेफ्ट विद ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. डी यू बाई डी थीटा की हमने स्क्वायर रूट ले लिया, सो वी विल गेट डी थीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए डी यू अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ए यू का होल स्क्वायर. इंटीग्रेट कर लो, वी विल गेट थीटा बाय रूट टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए यू प्लस सी टू. इनिशियली हमारे पास थीटा क्या है, जीरो है, यू हमारा क्या है, वन बाय ए है, तो सी टू की वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाय टू आ जाएगी. सी टू की वैल्यू हमने पुट करके देख ली और सॉल्व करने पर हमारा ए कितना आया, वन बाय टू ऑफ कोज ऑफ थीटा बाय रूट टू, जो हमारी रिक्वायर्ड पाथ थी. ठीक है जी, सो इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस हैं. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन लैम्डा अपॉन में डिस्टेंस क्यूब, फाइंड पाथ एंड डिस्टिंग्विश द केसेस. अब हमारे पास सेंट्रल फोर्स क्या गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा ए क्यूब लैम्डा इंटू यू क्यूब, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ हमारे पास पोलर फॉर्म में हमें गिवन है. ठीक है, अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन में हमने एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करने हमने डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर निकाला, ये निकालना. ठीक है, अब जो केसेस डिस्कस करने हैं वो हमारा इस क्वांटिटी के ऊपर होता है. ठीक है, केसेस क्या बनेंगे, लैम्डा बाय एच स्क्वायर, या तो वो हमारा वन के बराबर होगा या ये हमारा वन से बड़ा हो गया या वन से हमारा छोटा होगा, ये तीन केसेस होते हैं. पहले केस में क्या होता है, जब ये हमारा वन से बड़ा होता है, जब ये हमारा वन से बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं, वन को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर ले लिया, सपोज एन स्क्वायर ले लिया. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन हमारी ये बन गई. अब ओडी का ऑक्सिलरी इक्वेशन लगा के डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एन. सिंपली हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा इसका, यू इज इक्वल टू सी वन ई की एन थीटा प्लस सी टू ई की माइनस एन थीटा, या फिर u इज इक्वल्स टू ए कोस हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस बी साइन हाइपरबोलिक एन थीटा लिखी जाएगी, जहाँ पे सी वन सी टू ए भी हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है. तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पायरल कर्व रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वोलेशंस हैं अबाउट पोल. जब c1 और c2 वैनिश हो जाएंगे, जब c1 और c2 की वैल्यू वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो वो इक्वी एंगुलर स्पायरल रिप्रेजेंट करेगी.
नेक्स्ट केस है जब लैम्डा की वैल्यू हमारी लैम्डा बाय एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी वन के इक्वल हो गएगी, उस केस में क्या होगा, लैम्डा एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, डी टू यू बाय डी थीटा स्क्वायर जीरो आ जाएगा, डी यू बाय डी थीटा इंटीग्रेशन के बाद सी वन कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा, दोबारा इंटीग्रेशन के बाद यू आएगा, सी वन थीटा प्लस सी टू के बराबर आ जाएगा। ये क्या बन गया, हमारा जनरल सॉल्यूशन बन गया जो इन जर्नल क्या है, रेसिप्रोकल है स्पाइरल का जर्नल में। अगर यहाँ पे सी वन हमारा ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वेशन हमारे सर्कल की बन जाएगी। अब हमारा बच गया लास्ट केस, जब लैम्डा बाय एच स्क्वायर वो हमारा लेस देन वन है। लेस देन वन है तो मतलब ये तो कोई नेगेटिव क्वान्टिटी है, तो हमने नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर ले लिया। सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा है ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने के बाद, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, डी की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा एन आ गई, तो यू सॉल्यूशन क्या बन गया, यू इज इक्वल्स टू सी वन कोज एन थीटा प्लस सी टू, और यू क्या बन गया, सी वन कोज एन थीटा माइनस ए, जहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हमारे सी वन और अल्फा हैं। एप्स इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड यू इज इक्वल्स टू सी वन। With this question we have completed our 9th chapter, that is central orbits. I hope आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू।